हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम दो अपडेट ऐसी अपडेट के बारे में जानने वाले हैं जो कि अपडेट आपके काम की होने वाली है। ऐसे दो ऐप हैं जिन पर आप रोजाना सेट करते हो या फिर उनको रोजाना यूज करते हो, उन्हीं दो ऐप के बारे में मैं अपडेट लेके आया हूँ या फिर अपडेट आ गई है उसकी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए, इस वीडियो बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम दीपक और आप देख रहे हैं DM टेक साइंस चैनल। तो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो और अभी तक प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। शॉर्टकट की से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और अभी जाएं प्लेलिस्ट पर विजिट करें इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं दो ऐसी अपडेट, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। यहाँ पर पहली अपडेट आती है बिजनेस व्हाट्सएप के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो भी आप स्टेटस शेयर करोगे तो किस प्रकार से दिखने वाला है, इससे रिलेटेड ये अपडेट है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद बिजनेस व्हाट्सएप सर्च करें, वहां पर जाके सीधा आप अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आपके सामने एक फ्यूचर आएगा कि स्टेटस लगाने का, तो वहां पर आप सीधा स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता है, परंतु एक बात और, आप किसी कह सकते हैं यूट्यूब से आप वीडियो स्टेटस पर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर पहले आप देखते थे कि वहां पर थंबनेल जैसी चीज नहीं आती थी, यानी कि हम कहते थे URL ही आपको दिखता था। तो उस URL से किसी को इतना पता नहीं पड़ता था कि क्या है क्या नहीं है, किसका URL है और किसका URL नहीं है। परंतु अब मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र की। यहाँ पर आप सीधे सर्च पर क्लिक करें, सर्च पर क्लिक करने के बाद आप सीधा यहाँ पर वीडियो, यानी कि वीडियो शेयर करना चाहते हो या फिर वीडियो स्टेटस रखना चाहते हो, तो आप स्टेटस रखोगे तो वहां पर आपके सामने एक थंबनेल बन के आ जाएगा, जैसे कि आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से आपको थंबनेल दिखने वाला है। तो वहां पर यह पता पड़ सकता है कि कौन सा, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि कौन सा वीडियो है, और वीडियो की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब सेकंड अपडेट की बात करते हैं, तो सेकंड अपडेट हमारे मैसेज ऐप के बारे में है। मैसेज ऐप पर यानी कि जो आइकन है उसका अलग से बना हुआ है, यानी कि अलग से बनकर आइकन आया हुआ है, उसका आइकन ही चेंज हो गया है। तो इस आइकन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप वापिस जाएं और वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें मैसेज, और वहां पर आपको एक गूगल मैसेज ऐप मिलेगा, उसको सीधा अपडेट करें। और अपडेट करने के बाद आपको उस आइकन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, पहले कुछ अलग दिख रहा था। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जुड़ जाएं, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचती रहेगी, यानी कि बहुत सारी वीडियो आने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है, आप टेक्निकल से रिलेटेड आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि मेरी जो स्टडी चल रही थी अब स्टडी हो गई है, इस रिगार्डिंग अब मैं कंटिन्यू वीडियो लाने वाला हूँ, तो बने रहें हमारे साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।